तहरीक इंसाफ का सियालकोट में पावर शो, मियां इस्लाम इकबाल सियालकोट रवाना। मियां इस्लाम इकबाल ने अपने हलके में शेड्यूल प्रोग्राम मंसूख कर दिए। मियां इस्लाम इकबाल का कहना है कि पीटीआई वर्कर्स पर तशद्दुद काबिले मुज़म्मत है, पूरी क़यादत सियालकोट जलसे में शिरकत करेगी। इसी पर बात करेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस जी बिल्कुल, साबिक सूबाई वजीर मियां इस्लाम इकबाल की जानिब से सियालकोट वाकये के खिलाफ मजमती पैगाम जो है वो जारी किया गया है और वीडियो पैगाम में उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पर जो तशद्दुद किया गया है इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, जबकि इमरान खान सियालकोट जो जलसा है इसमें शाम 6 बजे शिरकत करेंगे, जबकि तहरीक इंसाफ की मुकम्मल क्यादत सियालकोट रवाना हो रही है, जबकि अवाम का ठाठे मारता समांदर सियालकोट जलसा गाह पहुंचेगा। मियां इस्लाम इकबाल का मजीद ये भी कहना था कि हम वहां पहुंचकर इजहार यकजहती करेंगे, जबकि हम इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं किया जाएगा। और मियां इस्लाम इकबाल जो है सियालकोट जलसा में शिरकत के लिए रवाना हो चुके हैं और मियां इस्लाम इकबाल की जानिब से हदायत दी गई हैं कि उनके हलका लाहौर समनाबाद में जो बकायदा तौर पर प्रोग्राम जो हैं शेड्यूल किए गए हैं, उन प्रोग्राम्स में मियां अमजद इकबाल जो उनके भाई हैं सीनियर नायब सदर लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो शिरकत करेंगे और ये जो इस्लामाबाद जो सियालकोट जलसा हो रहा है ये वहाँ शिरकत के लिए रवाना हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वैस आपका। हुकूमती दहशतगर्दी और हुकूमती मशीनरी का नजायज इस्तेमाल करते हुए सियालकोट के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के ऊपर तशद्दुद किया गया है इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज इमरान खान साहब इंशाल्लाह सियालकोट के अंदर 6 बजे जलसा करेंगे, सारी क़यादत उधर जा रही है, हम भी रस्ते में उधर जाएंगे। तमाम पाकिस्तानी शहरियों से रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्यार करने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो फौरी तौर पर सियालकोट पहुंचे। आज का जलसा इंशाल्लाह ताला वहां पर अवाम का समंदर ठाठे मारता हुआ समंदर आएगा और उनके साथ इजारे यकजहती भी करेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ इंशाल्लाह अब कोई बंदा भी घर नहीं बैठेगा, बाहर निकलेगा और हकीकी आजादी और गुलामी नामंजूर तक हम इंशाल्लाह ताला सड़कों पर रहेंगे और इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये इलेक्शन का ऐलान नहीं